हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग पे, देख सकते हो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या मैं लेती हूँ शॉपिंग पे। ओके तो चलते हैं। फिर मैं निकल गई हूँ अपने फ्लैट से, देख सकते हो आप लोग। अब मैं यहाँ से ऑटो लूँगी। वैसे वो ऑटो तो वैसे खड़ी थी वहीं पे, तो मुझे मिल गई तुरंत ऑटो, फिर मैं निकल गई हूँ। अब देखो कितना टाइम लगता है मुझे जाने में। मुझे सिविल लाइंस ही जाना था क्योंकि सिविल लाइंस की मार्केट मुझे अच्छी लगती है यहाँ पे। तो वहीं से आप कुछ ब्रांड्स हैं जो आप लोग परचेस कर सकते हो, और देखो क्या हो, क्या देख सकते हो आप लोग इतने सारे हैं। अब देखो क्या होता है, क्या लेती हूँ मैं, क्या करती हूँ, जो भी चीज़ है। आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना, देखते रहना। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ, मैं एंट्री कर चुकी हूँ शॉपिंग करने के लिए। और देखो मैं यहाँ पे क्या क्या लेती हूँ और आपको दिखाऊंगी। तो मैं इस यहाँ पे फुटवेयर लेने के लिए आ गई, और यहाँ पे फुटवेयर में वैसे डेलीवेयर के लिए बहुत बेस्ट था, लेकिन जब मैं पहनी तो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। और पहन के थोड़ा ट्राई की वॉक करके, लेकिन उतनी कंफर्टेबल नहीं थी जो मुझे कंफर्ट चाहिए होता है। तो मैं यहाँ से कोई फुटवेयर परचेस नहीं किया। फिर मैंने खुद पापा के लिए और खुद के लिए कुछ ऐसे चीज़ें ली जो देख सकते हो आप लोग। फाइनली बिलिंग हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऑनलाइन ही शॉपिंग बेटर लगता है, क्योंकि शॉप पे आप एक्सचेंज का टाइम मिलता है। आई थिंक आपको वहाँ पे लाइट के सामने पहन के वो लगता है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। वैसे कुछ समझ नहीं आता है, कोई साथ में रहता है तो चलो ठीक है वो बताता है, लेकिन उतना कुछ अब पता नहीं आप लोगों को क्या पसंद है, बट मुझे ऑनलाइन ही बेटर लगता है। ऑनलाइन जहाँ से जो ब्रांड की चाहिए होती है चीज़ें आपको हर चीज़ मिल जाती है, एक्सचेंज रिटर्न सब कुछ आपको वो रहता है। यहाँ पे तो बस आप ले जाओ फिर एक्सचेंज करो, वो भी एक दो दिन के अंदर, ऐसा कुछ होता है। चलो अब मैं दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो ले चुकी हूँ, फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। मैं यहाँ पे ये सूट देखी थी, अच्छी लगी, और यहाँ की फुटवेयर काफ़ी कंफर्टेबल था। ये हील्स भी था, लेकिन आप 12-13 घंटे इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी थी, कंफर्टेबल चलने में। मैं यहाँ पे वीगन की लिपस्टिक रहती है, वीगन की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ पे ट्राई की लिपस्टिक, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था ना कि अपना ही है सब कुछ, इतने प्यार से सब लोग बात कर रहे थे, प्यार से ट्रीट कर रहे थे ना, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत ही टाइम यहाँ पर अपना हर चीज़ पे भी, और अच्छे से सब कुछ देख के जैसे लग रहा था अपने ही शोरूम में आ चुके हैं। देख सकते हो आप लोग मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। फाइनली शॉपिंग हो चुकी है और मैं अब जा रही हूँ दूसरी जगह। मम्मा के लिए कुछ चूड़ी वगैरह लेना था, तो वो सब देखने जा रही हूँ। कुछ लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ खाई भी तो वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो सोची कि चलो लास्ट में इसमें बनाना में टाइम लग जाता है, तो लास्ट में रिकॉर्ड क्योंकि इस टाइम इतनी भूख लगी थी ना कि वो सब मैं रिकॉर्ड करने के लिए मम्मी ने कहा कि मैं कहता था कुछ खाने लग गई है। मम्मी ने कहा कि अपने रूम के लिए देख सकते शॉपिंग करके आ गई, और मैं बहुत थक गई थी, इस वजह से मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं ले पाई। तो मैं बहुत थक गई थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं सुबह से ही निकली हुई थी और मैं कुछ खाई भी नहीं थी। यहाँ तक कि जो भी कुछ खाई उसका भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना और पूरे ब्लॉग को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और लाइक और सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करना, और इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू सो मच।